सबसे पहले क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वलेंट एनर्जी, एटॉमिक मास, न्यूक्लियर साइज एंड न्यूक्लियर डेंसिटी। तो सबसे पहले हमने ये किया हुआ था पिछले थ्योरी के अंदर, हमने किया एटम्स में कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय फॉर्मूला ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। वन ए एम यू क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। न्यूक्लियर रेडियस को बॉक्स में डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर इज इक्वल टू किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो आर नॉट इंटू उसका अटोमिक मास नंबर, ए रिज टू पावर 1/3 है और आर नॉट की वैल्यू को याद करो 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैंने बोर्ड के अंदर तो आते देखे हैं इसे। नेक्स्ट है डेंसिटी, डेंसिटी के ऊपर भी आ सकते हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है, मास ऑफ द न्यूक्लियस है एम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है, 4/3 पाई आर क्यू। तुम इस कैपिटल आर की जगह ये पुट कर सकते हो, आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3, तो ये पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। और इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस 16 mg मास इनटू इक्विवेलेंट एनर्जी। बहुत आसान है, मास ग्राम में गिवन है, तुम केजी में कर लो, सी आपको पता है, ईज एम सी स्क्वायर लगा लेना, एनर्जी जूल में आएगी, उसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की कन्वर्जन है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेक अप 1 जूल। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेक्स 1 जूल, तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेक अप 1 जूल। तो मुझे ये पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इतने जूल हैं, ओके, इसको जूल में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। तो 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पूरी टर्म को इससे क्या कर देना है, डिवाइड करके 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आंसर आएगा, ठीक। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को एक बार देखें, थर्ड एग्जाम्पल को, तो क्वेश्चन है टेकिंग 1 atomic mass unit इक्वल टू 931 mega electron volt, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन 12। ये सब स्टेप बेकार है क्योंकि मुझे पता है कि 1 amu के अंदर इतने kg होते हैं, तो याद ही कर लो। तो आपको तो इसका पता ही है, मास के 12 amu है, तो 1 amu में इतने kg है, मल्टीप्लाई करके मास की वैल्यू आ गई, ठीक, कुछ करना ही नहीं इसमें। तो इसके अंदर जो ये इस टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं आती, देखी इस सिक्स एग्जाम्पल बहुत आता है, सिक्स एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन बहुत आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना शीट में, सिक्स एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जर्मेनियम 70, आर नॉट पता है फर्मी में 1.1 फर्मी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, आर नॉट ए की पावर 1/3, आर नॉट की वैल्यू याद करनी है इसमें, वैसे गिवन है इसमें 1.1 फर्मी और 70 रेज टू पावर 1/3, ये तो छोड़ना पड़ेगा, इसी कैलकुलेशन तो नहीं कर पाएंगे इतने फर्मी इज़ द आंसर। ऑब्वियसली वो आपको कैलकुलेशन थोड़ी बेटर देगा ताकि आप अपना आंसर निकाल सकें।
न्यूक्लियर मास ऑफ आयरन इज गिवन, कैलकुलेट न्यूक्लियर डेंसिटी, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो मास ऑफ आयरन कितना है, 55.85 AMU, केजी में कन्वर्ट कर लेना, इसमें केजी में कन्वर्ट कर लेना, इतना केजी आएगा। और डेंसिटी होती क्या है, टोटल न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो आपने निकाल लिया, वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr³, लेकिन आर किसके इक्वल होता है, आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट आपको पता याद करना पड़ेगा, और ए की वैल्यू 56 है। ये पूरे की पूरी वैल्यू को आर क्यूब के अंदर पुट करेंगे, आर क्यूब पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आर तो यहाँ से आ ही जाएगा ना, फिर डिनोमिनेटर में आर क्यूब करोगे तो ये क्यूब करोगे तो अपना 56 कन्वर्ट हो जाएगा होल क्यूब के चक्कर में। तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है इसमें। तो टोटल मास बाय टोटल डेंसिटी, तो बस इस, ये भी सेम है डेंसिटी की प्रॉब्लम। तो इन प्रॉब्लम्स को एक बार आप ट्राई कर लेना, ताकि एटलीस्ट आपके बेसिक क्वेश्चन एकदम सही हो जाए। वन वन लाइनर्स ही आएंगे इसमें, बहुत बड़ा नहीं आएगा, एक एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा।